ये कहानी है बिरजू नामी लड़के की, जो कि बहुत ही मेहनती था और लोगों के घरों में जाके पार्कों में फूलों पौधों को पानी देता। दिसंबर की सर्दियां, एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी और इस सर्दी में बेचारा बिरजू लोगों के पार्कों में जाके काम करता और फूलों को पानी देता, पौधे लगाता और फूलों की कटिंग करता। इतने में बिरजू घर आता है और बिरजू की छोटी बहन बिरजू से कहती है, भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पहनने को कुछ भी नहीं है, ना ही स्वेटर है और ना ही गर्म कपड़े हैं। भाई आपने आज जो कमाया है उसकी मुझे एक गर्म स्वेटर ला के दे दो, माँ को ला के दे दो, माँ को बहुत ही सर्दी लगती है। हमारे पास कुछ भी नहीं है गर्म कपड़े पहनने को, सर्दी से बदन कपकपाता है, समझ नहीं आती सर्दी को कैसे हम लोग थापे। इतने में बिरजू की माँ बिरजू से कहती है, अरे बेटा मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस सर्दी को बर्दाश्त कर सकूं, तू थोड़े बहुत कहीं से पैसे करके ला और सर्दियों की एक आध स्वेटर मुझे भी ला दे और अपनी छोटी बहन को भी ला दे, बहुत ही सर्दी है और तूने देखा है अपना आप फटी पुरानी, तूने स्वेटर पहनी हुई है, तू जा अपने लिए भी कुछ न कुछ एक स्वेटर का इंतजाम कर। बिरजू अपनी माँ और छोटी बहन से कहता है, माँ बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर, काम इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, अमीर लोग अपने अपने पार्कों में खुद ही काम कर रहे हैं, अपने बागात खुद ही सेट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे काम इतना नहीं मिल रहा है, एक काम करता हूँ मैं सुबह फिर चला जाता हूँ, सर्दी तो बेइंतहा है लेकिन क्या करूँ, आप दोनों के लिए स्वेटर का भी तो इंतजाम करना ही है, मैं जाऊँगा सुबह। बिरजू अपनी माँ और बहन को ये वादा करते हुए दोबारा से जाता है पार्क में काम करने के लिए, या फिर बाहर जाके देखता है कि कोई काम मिल जाए छोटा मोटा सा, कि मैं अपनी भी और अपनी बहन माँ के भी सर्दियों का एक आध सूट ले आऊँ या फिर स्वेटर ले आऊँ जिससे हमारी सर्दी ढप सके। इसके बाद बिरजू जाता है दोबारा से उस पार्क की तरफ जहाँ पे इसको छोटी मोटी दियाड़ में 10-20 रुपए की दियाड़ में काम मिलता है, जिसमें इसको ये करना होता है कि वो पार्क में जाके पौधों को लगाता है और कटिंग करता है। इतने में बाहर एक स्वेटर वाला आता है और स्वेटर सेल करने के लिए आवाज़ से बिरजू की माँ बाहर आ जाती है और वो स्वेटर वाले से पूछती है, स्वेटर वाले भाई ये स्वेटर कितने की दिए, मेरे पास 50 रुपए आप दे दो मुझे। इतने में स्वेटर वाला माँ जी को देखता है और सोचता है 50 रुपए में क्या आता है। आसपास की 2-3 औरतें भी आ जाती हैं और माँ जी की इस 50 रुपए वाली बात को सुन के कहती है, अरे 50 रुपए में तो रुमाल भी नहीं आता और तुम स्वेटर लेने की बात कर रही हो, ऐसा करो ये 50 रुपए अपने पास रख लो और स्वेटर को भूल जाओ। इतने में दूसरी वाली जो पड़ोस वाली होती है वो भी बिरजू की माँ से कहती है, 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता, ये दौर कौन सा चल रहा है, और स्वेटर तो तुमने देखो कितनी अच्छी पसंद की है, 300-400 से तो कम पेशी ये तो मिलेगी ही नहीं, ओहो। इतने में वो स्वेटर वाला इन दोनों महिलाओं से कहता है, देखो अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकती तो उन पे हंसने की भी जरूरत नहीं है, आज इनके ऊपर बुरा वक्त है ये गरीबी है, कल को इनके ऊपर अच्छा वक्त भी आएगा और गरीबी भी चली जाएगी, हो सकता है ये वक्त तुम दोनों पर भी आ जाए, तो इसलिए बड़ी बात मत किया करो, यहाँ से जाओ। इतने में वो दोनों औरतें जो के आती हैं बिरजू की माँ की तरफ, जब बिरजू की माँ स्वेटर ले रही होती है दोनों ही वहाँ से चल बसती हैं और स्वेटर वाला जो है वो बिरजू की माँ को बड़े ही हसरत भरी निगाहों से देखता है और सोचता है कि वो उसको ये स्वेटर एक मुफ्त में दे दे या कम पैसों में दे दे कि इस बेचारी गरीब का काम चल जाए। इतने में वो स्वेटर वाला भाई बिरजू की माँ से कहता है, माँ जी ये स्वेटर बहुत ही महंगी है लेकिन मेरे पास एक स्वेटर है जो कि थोड़ी बहुत पुरानी है, इस्तेमाल में आ चुकी है, मैं आपको वो स्वेटर 50 रुपए में दे दूंगा, ज्यादा तो कुछ नहीं, उससे थोड़ी बहुत
आपके बेटे की सर्दी ना भी जा सकती है। ठीक है, आप मुझे 50 रुपए दे दें, मैं आपको स्वेटर दे देता हूँ, आप अपने बेटे को दे देना। दूसरी जानिब बिरजू एक पार्क में पौधों को पानी दे रहा होता है और पार्क की सफाई करने में मसरूफ होता है। इतने में एक वहाँ पे जमींदार का बेटा आ जाता है और बिरजू से कहता है, अरे इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम क्या घर पे सुकून से बैठ नहीं सकते? ये पेड़ पौधों को तुम पानी दे रहे हो, खेतों की रखवाली कर रहे हो, पार्कों में काम कर रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? क्या तुम इंसान नहीं हो और कुछ पहना भी नहीं है? देखो तो। अरे साहब जी, ठंड तो बहुत लगती है, क्या करूँ, इतनी ठंड में तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, दो वक्त का कमाना भी है, बहन है घर पे, माँ है, उन दोनों को देखना भी है, इतनी ठंड है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, इस मजबूरी में अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो कौन निकलेगा? साहब जी, अगर कोई काम है तो बताइए मुझे, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? हम जैसे गरीबों का कुछ भी नहीं होता, न ठंड होती है न गर्मी होती है, अगर मेरा काम कोई है तो आप मुझे बताइए। इतने में जमींदार का बेटा बिरजू से कहता है, हाँ 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 काम तो है, लेकिन तुम्हें काम ये करना है, त्यार में तुम्हें बिल्कुल 20-50 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ पौधों को पानी देना है और थोड़े बहुत हरियाली करनी यानी पौधे लगाने। ये देखो, ये मेरे घर के बाहर का गार्डन है, यहाँ पे तो बहुत ही हरियाली है, लेकिन मजीद तुम्हें हरियाली करनी है, मतलब खूबसूरत खूबसूरत से पौधे लगाने हैं। ठीक है, बिरजू जो है वो सेठ जी के बेटे की बात सुन के अपना काम शुरू कर देता है। सर्दी हद की होती है, इस कड़ाकेदार सर्दी में बिरजू अकेला ही उस गार्डन में काम करता है और एक दिन की दिहाड़ लेता है। बिरजू बहुत ही मेहनत से इस कड़ाकेदार सर्दी में आगे पीछे देखता है कि कोई चाय वाला मिल जाए या फिर कहीं आग जलती हुई मिल जाए। वो देखता है सामने गांव के पास कुछ लोग आग में हाथ सेक रहे हैं। बिरजू फौरन से जाता है उस आग की तरफ ताकि वो अपनी सर्दी थोड़ी बहुत दूर कर सके। यहाँ पे बिरजू अपने हाथ सेकने लगता है, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, नहीं मालूम वो काम कैसे कर पाएगा। इतने में गांव का एक आदमी उससे कहता है, अरे तुम यहाँ पे हाथ ही सेकते रहोगे, तुम्हें तो बहुत ही सर्दी लग रही है, काम क्या तुम्हारा बाप आके करेगा? देखो तो सही, वो सेठ जी के बेटे ने तुम्हें क्या काम दिया है? अपने घर के पास जो गार्डन है उसको बोला है ना कि साफ करो और पानी दो, पौधे लगाओ, तुम जाओ वहाँ पे। बिरजू चुपचाप वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही घर आता है, बिरजू की माँ बिरजू के चेहरे पे हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद वो देखती है कि बिरजू को बहुत ही तेज बुखार चढ़ा हुआ है। वो बिरजू से कहती है, अरे बेटा तुझे तो बहुत ही तेज बुखार चढ़ा हुआ है, तू इतनी मेहनत कर रहा है, बाहर पानी में हाथ मार रहा है, लोगों के पार्क गार्डन और पौधे सेटिंग करने में लगा हुआ है। बेटा तू छोड़, सर्दी बहुत है, हम किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुझे कल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू घर पे बैठ, सर्दी को हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये सर्दी हम गरीबों के लिए ही है। बिरजू की बहन बिरजू से कहती है, भाई ये सर्दी तो हम गरीबों की ही है, सर्दी बहुत लगती है, ये अमीर लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम गरीबों के पास तो अपने ऊपर अपना तन ढकने के लिए एक स्वेटर तक नहीं होती, बस सर्दी से कपकपाते रहते हैं। बिरजू की बहन बिरजू के लिए स्वेटर लेके आती है जो कि माँ जी ने 50 रुपए में खरीदी हुई होती है। माँ जी बिरजू से कहती है, बेटा तू फिक्र नहीं कर, हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, हम भी आने वाली सर्दियों का कुछ ना कुछ इंतजाम पहले से ही करके रखेंगे। अरे क्या हुआ, ये तू अमीरों के घरों में जा जा के उनके गार्डन साफ करता है, फूल पौधों को पानी देता है, बेटा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है हम गरीबों को कोई काम काज भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तू एक काम कर, तू फिर भी सुबह किसी गांव कोने में जा, कोई दूसरा काम ढूंढ पानी के अलावा। एक गरीब इंसान कर ही क्या सकता है सिवाय सबर और बर्दाश्त के।